सर वो आप क्या हुआ ले लीजिएगा, जो भी आपको बीच में मैं क्यों नहीं दूंगा उसका, सीधे मैं इसकी लाइन से दूंगा। डायलॉग कौन मारता है? एंड एक्शन। ओके ऑर्डर सर। सर राइट एंड करेंगे ना? हाँ ओके रोलिंग एंड एक्शन। सुमा जी ने बोला अरे क्या हुआ बेटा बोल ना तू। रिद्धि ने बोला माफ, मैं योगेश के घर नहीं जाऊंगी, मैं उसका घर छोड़ के वापस आ गई। अरे रिद्धि हुआ क्या है, मैं बात करता हूँ ना योगेश से। इसे बात करने का कोई मतलब नहीं भैया, उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अनुपम जी ने बोला रिद्धि देखो चाहे समस्या चाहे जितनी भी हो बड़ी, तुम्हें जोश में घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था बेटा। रिद्धि जो भी प्रॉब्लम है एक बार बैठ के बात कर सकते हैं ना। सुमा जी कितनी बार आप बात करेंगे आप लोग, हाँ इसकी दर्द नहीं तुम लोगों को देखा जा रहा है, मेरी बेटी का चेहरा तो देखो। रिद्धि ने बोला और आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, मैं योगेश के घर नहीं जाऊंगी वापस। अनुपम जी ने बोला बेटा देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन छोटी छोटी बातों को अहमियत देना आप छोड़ दोगी तो ये सब नौबत नहीं आएगी। रिद्धि बोली पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरी खुशी को छोड़ के योगेश की आप लोग फिक्र कर रहे हैं। सुमा जी ने बोला अरे मैं पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ मेरी बेटी यहां रहेगी, मैं कह रही हूँ बाहर के लोग अजनबी लोग आके मेरे घर में ठहरे हुए हैं। One more. Ready. Zoom रहना। And action. मेरी बेटी यहाँ रहेगी, बाहर के अजनबी लोग आके मेरे घर में ठहरे हुए हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है और यहाँ ही रहेगी। रोलिंग एंड एक्शन। कुछ काम कर रहे हो सर? ए, वो टेप दिख रहा आपके बटन माइक। काम कर रहे हो? और प्रभाई जी बेटा सुधी का कोई फोन? ओके प्रभा रोलिंग क्यों दो? रुक जा। एंड एक्शन। ऊपर एंड प्रभाई जी बेटा छुट्टी का कोई फोन आया था? मेरा मतलब है समझन जी से की हेल्प कैसी है? ठीक है लेकिन श्रुति ने कहा था कि आज की रात दोबारा होना चाहिए, ये बोला था वो मैं चुप। ठीक है लेकिन आज की रात वो वहां रुकना चाहेगी। हाँ है ना? हाँ हाँ। और ओले 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 या यू वांट क्यू सर क्यू दो रोलिंग। हाँ अपनी लाइन से ले। मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे। एक्शन। ठीक है माँ रोलिंग। एक्शन। आम आया था फोन, ठीक है लेकिन श्रुति कह रही थी आज की रात वो वहां रुकना चाहिए तो मैंने कहा इट्स ओके। माँ रिद्धि आई। रिद्धि ओके अचानक से एकदम शॉक्ड हो गए सब लोग, क्या कहेंगे इस बारे में? एक्सपेक्टेड था ये ऐसा कुछ होगा? मेरे बहन के काम कुछ ऐसे तो हैं, अब ठीक है क्या कर सकते हैं, वो योगेश से परेशान है। अब जहां तक मैं जानता हूँ योगेश ठीक ठाक ही लड़का, लेकिन होते हर कपल में प्रॉब्लम होते तो उसके भी हुए हैं, तो आ गई बस सब घर पे देखते क्या होता है। नहीं श्रुति जी गई हुई है अपनी माँ के घर, माँ की तबीयत खराब है तो वहाँ गई थी। मैम आपने जैसे कहा कि यहाँ पे बाहर वाले आके रह सकते हैं, मेरी बेटी भी रह सकती है, तो इसके बारे में डायरेक्टली आपने कहा है? ये तो समझने वालों को समझना चाहिए मैंने किसके लिए कहा है। डायरेक्टली कहा गाइस, सीधा ही बोल दिया माँ ने तो। मान बोलो बाहर वाले आके रहे बेचारे, छोटे छोटे मासूम से लोग आकर रह रहे हैं घर में हमारे, है शैतान लगते मासूम है ये स्वीट से मेरे। तो मतलब आपकी बेटी यहाँ पर आ गई है तो आप किस तरह से उनका सपोर्ट करेंगी? मैं तो 101% उसका सपोर्ट करूंगी, मेरी बेटी है वो और मेरी बेटी जो चाहेगी अब इस घर में वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने समझा सकते कि वो वापस चले से एक नई शुरुआत करें? नहीं पहले एक बार समझा के भेजा था मैंने उसको, लेकिन वहाँ फिर अगर प्रॉब्लम हो गई है तो
अभी कुछ और समझाना पड़ेगा उसको। लगता है कि अभी रिद्धि घर में आई है, मम्मी भी ससुर के अगेंस्ट रहती है, तो अब दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकती है श्रुति और अभी के खिलाफ। ऐसा कुछ ऐसा ना हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये नामुमकिन है, संभव है ये। मुझे तुम्हें अपनी माँ इतनी खराब लग रही है। नहीं, माँ मीठी है, वो बेचारी जिन हालात में फंसी हुई है ना, तो थोड़ा सा मॉम हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक माँ ऐसा करेगी। चलो तो क्या वो मैं भी नहीं जानता हूँ, तो क्या पता है शाम को क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो है लेकिन पता है हमें क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव किसका क्या है, किसी कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, पता ही नहीं है ना। मेरी माँ की बाजी ऐसे फैली हुई होती है ना, पता नहीं कौन सा किसको कहाँ, रिद्धि भी घर पे आ गई, पता नहीं कहाँ सा क्या इस्तेमाल कर लेगी। पर तुम भी खेल रही हो तो तुम्हें मजा आ रहा है ये शतरंज खेलने में? मुझे बोर हो रहा है चेस, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वो मेरी टीम में इसलिए मुझे सपोर्ट कर रही है, चीयर लीडर है मेरी। मैं दोनों की टीम में। चलो ओके, थैंक यू सो मच।